हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का समय है और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। ये तोरई का, जिसको हम लोग बिहार में नेनुआ बोलते हैं, घुंघरा बोलते हैं, कई गो नाम है इसका। तो इसके साथ जाएगा तोरई के साथ, या नेनुआ बोल लीजिए, हम लोग नेनुआ ही बोलते हैं तो नेनुआ ही बोलेंगे। तो नेनुआ के साथ जाएगा 4 प्याज, 1 टमाटर, 1 सोयाबड़ी का 10 रुपये वाला जो आता है, 10-12 रुपये वाला जो पॉकेट, वो सोया बड़ी 1 पॉकेट। ये चना, चने की दाल है ये, धनिया पत्ता और ये आलू, और ये सारा मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे नेनुआ का, एकदम मस्त लगता है फ्रेंड। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं। काटने के पहले सोचे कि आप लोग को हम दिखला देते हैं। हलवा काट लिए हैं, यहाँ पर सब्जी काट रहे हैं, तो ये दोनों हेल्प करने के लिए आए हैं, खाने के लिए आए हैं, ये हमको पता नहीं है। देखिए, ए मम्मी के बेटे, मम्मी के बेटे, तुम लोग काम लगाने आया है ना? यहाँ पर सारा सामान काट के रख लिए हैं। ये नेनुआ, आलू, ये चना दाल, टमाटर रखा हुआ है, ये सोयाबड़ी को उबाल लिए है नमक डाल के, उसके बाद अच्छे से पानी से धो लिए। और ये प्याज, 4 प्याज है, ये इस तरह से टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये धनिया का पत्ता, यहाँ तेल डाल दिए हैं 2 चम्मच। और ये फोरन है, अगर आप ये नेनुआ की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें आपको जीरा का फोरन नहीं जाएगा, पचफोरना जाएगा, पचफोरना है ये। और ये करी पत्ता है और हरा मिर्च 2 से 3 डाल देंगे, फोरन तरफ गए हैं, इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज डाल दिए हैं, इसको हम भून लेंगे। प्याज को हमको ब्राउन करके भून लेना है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे, थोड़ा मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मसाला वाला बनाइए ना, उसका टेस्ट अजीब तरह का हो जाता है। तब सिंपल में बनाइए, कम मसालों के साथ बनाइएगा ना, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ 4 कली हम लहसुन के लिए हैं, जीरा थोड़ा सा लिए हैं, और ये 10-12 से ऊपर गोल किए, क्योंकि प्याज डला है तो थोड़ा सा गोल की ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि मीठापन सब्ज़ी में ना लगे। चलिए अब सबको पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला डाल के पीस लेंगे, ताकि ये सब पीस जाए। कम मसाला रहता है ना तो खड़ा खड़ा थोड़ा रह जाता है, इसमें हम थोड़े थोड़े मसाला लेंगे, एकदम 1 कप चुटकी। ज़्यादा लीजिएगा तो एकदम मसाले मसाले सब्जी लगेगा। हल्दी तो 1 कप चुटकी सब लिए, हल्दी थोड़ा ज़्यादा लिए हैं। अब इसको चला देंगे मिक्सी में। यहाँ पे प्याज मेरे भून गए हैं, ब्राउन थोड़ा हो गए हैं, और यहाँ पर मसाला भी पीस लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, पहले इस सोयाबड़ी को डालेंगे। सोयाबड़ी हम डाल दिए, अब यही तो ये चना का दाल डाल देंगे, दोनों को हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पर ना 1 मिनट हो गए हैं, हमको भूनते भूनते तो इसमें हम मसाले डाल के भून लेंगे, नहीं तो नेनुआ में पानी छोड़ता है तो फिर मसाले ठीक से नहीं भुनाएंगे, इसलिए मसाले भून लेंगे। मसाला इसमें कम ही यूज करें, ज़्यादा मसाला डालिएगा ना तो टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, लेकिन वो आखिरी में डालेंगे। सारा सब्जी जब भून जाएगा ना तब डालेंगे, उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को 2 मिनट तक भून लिए हैं अच्छी तरह से, तब इसमें हम ये नेनुआ और आलू को डाल देंगे, यहीं पर हम टमाटर भी डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, इस तरीके से आप लोग नेनुआ के से मिक्स सब्जी बना के देखिएगा, मज़ा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अभी कम ही डालेंगे नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। नमक में यहाँ पर डालने हैं, अभी कम ही डाले हैं, नेनुआ गलेगा बस चख लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे उससे ज़्यादा नमक से। अब
तो सारे सब्जी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसको हम ढक के भूनेंगे। तो बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। नेनुआ थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है, इसमें भी अच्छी तरह से मसाले भून जाएंगे। आप लोग इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मसाला कम दीजिएगा, ज़्यादा मसाला दीजिएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच के करीब डालेंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे, तो आधा चम्मच छोटा वाला मेरा जो चम्मच है ना उससे एक चम्मच ही करेंगे। तो सबको भून लेंगे अच्छी तरह से। ये सब्जी ना कम ही मसालों में अच्छी लगती है। आप लोग को इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसलिए ज़्यादा मसाला मत दीजिएगा। इसको एक मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद पानी डाल के सीटी लगा देंगे। अब ये सब्जी मेरे भून गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए क्या मस्त कलर आया, और खुशबू भी खूब अच्छा है। कभी आप लोग ना बना के देखिएगा। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। धनिया का पत्ता, अब इसमें हम सीटी लगा देंगे दो सीटी, और बस झटपट सब्जी बनके तैयार। नेनुआ का लगा दिए हैं, दो सीटी देगा और बंद कर देंगे, और ये सब्जी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, जब तक हम किचन में काम करते रहेंगे ये मेरी दुनिया है और इधर भी दुनिया है। कितना प्यार करता है सब हमसे, पूछिए मत। इधर ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक एकदम किचन में बैठा रहेगा आराम से, खाना लगता है कि इस सबसे हमको अपने आप में लगता है कि नहीं हम इम्पोर्टेंट हैं ना, कोई है जो मेरे लिए है ना, जो हम उसके लिए जी रहे हैं वो मेरे लिए जी रहा है, वो बिना मेरे देखे रह नहीं सकता है, वो बेचैन रहता है मेरे लिए, आज हमको महसूस हुआ है। इधर ये भी है मेरा प्यारा बच्चा, ये मेरा सोना बच्चा, ये मेरा लल्ला बच्चा, ये मेरा लल्ला बच्चा, हमारा लल्ला बच्चा, अरे मेरा बेटा, ये मेरा सोना बाबू रे सोना, तुम लोग को भी प्यार करते हैं ना, तो इसको भी कर लेते हैं। ये भी है ना, कितना अच्छा से बैठा रहता है, कोई कहीं रहें तो मम्मी के पास रहेंगे, किचन के दुआली पे बैठे रहेंगे, मम्मी को देखते रहेंगे। हैं अगर बाबू हमारे सोचा कहो कौची कौची हाँ
अगर मेरा बच्चा गोदी में आया है, अगर मेरा बच्चा गोदी में आया है, गोदी में आया है, अरे सोना मेरा सोना लल्ला। अब वो सब देखता है तो काटने दौड़ता है। मम्मी के बेटे को बुलाए, दौड़ल दौड़ल आएगा। मम्मी के बेटे को बुलाए, मम्मी के बेटे हैं, मम्मी के बेटे हैं, मम्मी के बेटे हैं। देखो देखो मेरे गोद में कौन बैठा हुआ है, देख लो देख लो। तुम लोग नहीं हो ना, ये मेरे गोद में बैठा हुआ है डैमन, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा लल्ला बैठा हुआ है। सच्चा प्यार ना यही सब करता है। सच्चा प्यार जो होता है ना, ये सब करता है। इंसान में अब नहीं रहा, वो तो यूज किया और फेंक दिया, बस इतने भय है। और ये लोग है ना, जीवन के साथ ही और जीवन के साथ नहीं, बाद में नहीं, जीवन के साथ में दम निभाते हैं। बाद में तो हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, नहीं पहले छुट्टी दे दी है बबे, दो बार छुट्टी दे दी है बबे, मुझे बुताना है गैच को। तुम लोगों ने मुझे एहसास कराया कि हम भी हैं इम्पोर्टेंट, तो हम अपने आप को बहुत फालतू समझते हैं बेबे। अगर मेरा राजा बेटा, अगर मेरा सोना बेटा, अगर मेरा लल्ला। चलो तुमको खाना दे देते हैं, कल नहीं खाया, कल भर दिन खीर नहीं खाया, खेलने में इतना रहता है लगता है कि भर दिन खेलते, चार बजे से उठा रहता है, कुद्दा फानी करते रहता है। चलो खाना दे देते हैं, अब तुम्हारा खाना हम निकाले हुए बेटा। हम कहें कि तुम कब आएगा, कब दे, नहीं ऐसे दे देते हैं जे तो तुम खाता नहीं है, जबरदस्ती नहीं देंगे, जब तुम मांगेगा ना तब देंगे, ठीक है। चलो अब गैस बताते हैं, देते हैं सब्जी हुआ और कैसा हुआ। ये देखिए मेरा सब्जी बन के तैयार है, थोड़ा सा नहीं इसमें ग्रेवी जरूरी रहता है। ये नेनुआ, आलू, सोयाबड़ी, चना दाल मिक्स सब्जी बन के नेनुआ की तैयार है। और रोटी चाहे चावल किसी के साथ भी खाइए, मजा आता है। अब इसको दूसरे बर्तन में रख देते हैं। आराम वीडियो बना रहे हैं, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, एक गंदा बच्चा, गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा। अरे फुल्ली खेले के मूड में, फुल्ली खेले के मूड में, फुल्ली फुल्ली एकदम से फुल्ली खेले के मूड में है, फुल्ली खेले के मूड में है। आई एकदम है कि इसका पिंजरा भी आ रहा है, देखिए एकदम पोजीशन ले ले, आओ तो तुमको लोल मारेंगे। आ ना धनिया, हम ये मिठू से लोल मरवाएंगे, आ जा 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 आ जा, तुमको लोल, हाँ हो मारी है, मारी है, मारना एक देख बिस्टो फाड़ी थो ना रे। क्या होगा, नीचे उतर गया, अब क्या होगा, कपड़े चाहे क्या क्या बेड तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए तुम झा बेडशीट फाड़ देते हो ना, ऊपर करो, ऊपर करो, नहीं आगे ऊपर। तो आप लोगों को ये मेरी नेनुआ की मिक्स सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। राधा किचन ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। देखिए हाँ बहुत अच्छी लगती है, आप लोग को लगता है ना, एक बार आप लोग इस तरह से नेनुआ की मिक्स सब्जी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, पराठा के साथ में, कुछ के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए जा रहे हैं चावल बनाने। यहाँ पर मेरी नेनुआ की मिक्स वाली सब्जी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड,
अब कुकर वहाँ रख दी है, अब जा रहे हैं धो के अब चावल चढ़ाने। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करें राधा किचन ब्लॉग को, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फ्रेंड, अकेले ही वीडियो बनाते हैं, अकेले ही एडिट भी करते हैं। कम से कम हमको 2 घंटा लगता है एडिट करने में, और बनाने में भी थोड़ा आपको लगता होगा कि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से हम काम करते रहते हैं। सब्जी उब्जी चलाने में थोड़ा आप लोग को कम दिखलाते हैं क्योंकि वो इधर उधर घसक जाता है, चाहे आप लोग को हम दिखला नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आप लोग से अनुरोध हम करेंगे कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेहनत कर रहे हैं हम, मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ सपोर्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड आप लोग को सपोर्ट की। तो चलिए अब चलते हैं चावल चढ़ाने, सब्जी बन के तैयार। तो बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड, बहुत गर्म है, इतनी अच्छी सब्जी बन के निकली है, देख रहे हैं ना, सुगंध भी खूब अच्छा है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा नेनुआ की मिक्स सब्जी, सब्जी डाल दीजिए एकदम मज़ा आता है इसका खाने में। तो अब जा रहे हैं चावल चढ़ाने, और ये वीडियो यहीं तक रहेगी, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए नहीं हमेशा खुश रहें। चलिए अब जाते हैं चावल चढ़ाने।